अभी हम हैं ओखला के कूड़ेदान के यहाँ पे। देखिए इसकी गंदगी की वजह से इतना पानी आ रहा है, लोग यहाँ पे गिर रहे हैं। अभी यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, वहाँ पे अभी मैं और दिखाता हूँ। अभी मेरे सामने काफ़ी लोग गिरे हुए हैं, ये जितने सारे लोग बैठे हुए हैं ये सारे ना ये गिर के उठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे। अभी मैं और दिखाता हूँ आगे से, वहाँ से पूरा पानी आ रहा है, इसका पानी पूरा नीचे तक यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे पूरा भी देखना आगे कितने लोग गिरते हैं, जस्ट ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत से लोग गिर रहे हैं। अभी कोई भी तेज आएगा तो बहुत गिरेंगे। भैया क्या वो गिरे थे आप भी? अरे बहुत जोर था, एक जना नहीं। ये देखो इनकी हालत, देखो क्या हो रही है। ये भी गिरे, ये देखो ये भाई साहब ये भी गिरे, और ये देखो बहुत तगड़ा गंदा हुआ है। ड्यूटी जा रहे हैं और यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो रही है ना, ये बस कह नहीं सकते। ये देखो अभी ड्यूटी जाते जाते क्या हाल हो गया इनका। और भाई यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आप भी गिरे भैया? लगी आपके? ओहो देखो इनके भी चोट लगी हुई है। ये देखो ये भाई साहब भी गिर के आए, इतने लोग यहाँ पे गिर रहे हैं ना, इसका ऊपर का पूरा कचरा यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये हमारी दिल्ली सरकार की नाकामी है, एमसीडी के ऊपर चालान होने चाहिए, एमसीडी का कोई चालान नहीं होता। आमतौर पे पब्लिक का खड़े पैर चालान कर देते हैं, 4,000 का 5,000 का खड़े पैर का चालान होता है। भाई साहब बिना भी गिरे हैं, मैंने इनसे बात की थी और अभी हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किए। ये भारत सरकार, ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार कर क्या रही है? ऐसे करेगी तो ये दिखाएगी, और फिर इस हिसाब से कहती है कि भ्रष्टाचार के निपटाएंगे। दिल्ली की गंदगी तो निपटाई नहीं जा रही है। गंदगी इन्होंने इतना गंदा किया हुआ यहाँ पे। अभी मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि 15-20 लोग ना अभी गिरे मेरे सामने, और इतने गिरे ये भाई भी उनमें से एक है। ये भाई साहब लगातार गिरते जा रहे हैं, काफी लोग जा चुके हैं यहाँ से। अगर सरकार को यहाँ लगा के देखा जाए तो ये लोग गिरते जा रहे हैं बार बार, और ऐसे चला जितने भी लोग एक्सीडेंट हो गए कौन भुगतेगा इसका हर्जाना? हालांकि ये गंदगी इसलिए हो रही है कि इसको इसका जो कचरा आ रहा है ना रोड के ऊपर आ रहा है, बल्कि अंडरपास से नीचे नाली में जाना चाहिए। अभी मैं काफी दूर आ गया हूँ, हाँ वो बाहर आ रहा है, देखा है मैंने। तो अभी देखते हैं इस वीडियो का सोशल मीडिया पे क्या फर्क पड़ता है, अगर यहाँ का कुछ निवारण निकलता है तो देखते हैं सोल्यूशन होता है तो। यहाँ का जो भी निगम पार्षद है या केजरीवाल सरकार है कुछ करें। ये देखो अभी ये देखो आपके सामने लाइव है, अभी गिरा ये, अभी गिरा, उठाओ। अरे ये अभी गिर गए, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे रोड की। देखो आपके सामने अभी आपको भी दे दूंगा, ये अभी गिरा है भाई साहब। देखो और अभी कितनी भीड़ लग जाती है, तो जल्दी चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकले कुछ। और तो सोशल मीडिया पे दिखाई दे ना, ज्यादा शेयर करना ताकि पब्लिक इसको बताए। हाँ बिल्कुल, ये पहुँचनी चाहिए इनके सांसदारों तक।